ये देख रहे हो काफी अच्छा व्यू आता है यहाँ से, पूरा दिखता है भीमीताल, इधर टल्ली ताल है वो सामने। ऐसे सभी लोग, मैं हूँ बहुत बड़ी ऊंचाई पे इस वक्त, और मेरे पीछे देख रहे हो आप ये जो मंदिर है, परकोटक नाग देवता का मंदिर है यहाँ पर, ये भीमीताल में स्थित है और बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। और मैं देखूँ तो यहाँ से पूरा भीमीताल नीचे नज़र आता है, और पूरा यहाँ से जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। चढ़ाई बहुत है, 2-3 घंटे में मतलब आप चढ़ पाओगे यहाँ पर। ये यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, बट मेरे को देखना था, मैं नीचे से देख रहा था मंदिर को, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट मैं ये सोच रहा था जाएंगे कैसे, बट अब यहाँ पे आ गए हैं, अच्छी हवा चल रही, नीचे से आए हैं, जैकेट पहन रखी थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी, फिर उसके बाद में जैकेट उतार दी है अभी टी शर्ट में। तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा दिखता है, तो ये है भीमीताल, और आप देख रहे हो नीचे वो है तलैया, भीमीताल वाली तलैया, और ये है मंदिर, परकोटक महाराज, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, ये देख रहे हो नीचे वो पूरा झील है भीमीताल वाली, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, मजा। लगभग यहाँ से नैनीताल देखा जाए तो 20 से 22 किलोमीटर है, बट हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हो वो पूरा नैनीताल है, और यहाँ से 22 किलोमीटर के करीब होगा, बट नैनीताल अगर उड़ कर के जाना है तो सीधे यहाँ से जा सकते हो फ्लाई करके। अगर भीमीताल देखना है तो भीमीताल यहाँ से देख सकते हो, ये भीमीताल की तलैया है और वो पूरा नैनीताल इधर। हल्की हवाएं चल रही है, वो भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है, और थोड़ी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। मेरे को एक चीज़ मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ घर हैं, मतलब दूर दूर पहाड़ों में हमेशा दूर दूर घर होते हैं, मतलब 4 घर इधर है तो 4 घर इधर है, और जब नीचे से लोग ऊपर आते हैं और ऊपर से लोग नीचे जाते हैं तो मैं मानता हूँ बहुत टफ होता होगा। अभी मैंने एक लड़का मिला छोटा सा, वो मेरे को बोल रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो बोला था 10th क्लास में पढ़ते हो, कि कहाँ पे है स्कूल आपका, बोलने लगा नीचे है स्कूल, तो कितनी देर में पहुँच जाते हो, 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, पता है हम पहुँच जाता है बच्चा यहाँ से, अगर हम जाए नीचे तो हमें कम से कम मील तो लगेगा 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, और 1 घंटे में भी ना पहुंच पाए, बट मेरे को ऊपर से जब मैं नीचे से आया ऊपर तो मेरे को लगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे में यहाँ पहुंच पाया पैदल पैदल। मैंने सोचा कि ये तो पास में ही है, नीचे से देखने से ऐसे लगता है कि ये तो पास में ही, बट नहीं पहुँच पाया, 2 से 2.5 घंटे लगे, और काफ़ी अच्छा रहा, और फ्रेंड्स यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा, और फिर भी काफ़ी अच्छा, और यहाँ से जो व्यू आता है वो भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स अभी के लिए यही, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और
अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और थम्स अप लगा दीजिएगा इस पे बटन पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो आपको ट्रैवल से रिलेटेड और माउंटेन से रिलेटेड, पहाड़ों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स, बाय।